हम लोग यहां पर देखेंगे अब कि जो ओशियन बॉटम रिलीफ है वो क्या है, है ना, ओशियन बॉटम रिलीफ, OBR, ओशियन बॉटम रिलीफ, महासागरीय नितलीय उच्चावच। उसके लिए एक आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है, आपको उसके लिए एक डायग्राम बनाना है ना, डायग्राम बनाना है उसके लिए, यहां पर जो रिलीफ्स हैं हम उनकी बात यहां पर करेंगे, है ना, उन रिलीफ्स की हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहला रिलीफ सिस्टम है, नाम है उसका नंबर वन, राइट, दिस इज नंबर टू, नंबर थ्री, ये ढाल दिख रहा है ना, स्लोप, इसके हिसाब से ये उठा हुआ है, फिर ये धसा हुआ है, ये हो गया नंबर फोर, दिस वन नंबर फाइव। यहां पर कोरल का डिपोजिशन हुआ है, कोरल के डिपोजिशन से यहां पर एटॉल स्ट्रक्चर क्रिएट हुई, दिस इज द नंबर सिक्स, राइट, नंबर सेवन सी माउंट, और यहां पर ये एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, प्लेन टाइप का, ओशियन डीप सी प्लेन या एबिसल प्लेन कहते हैं, नंबर एट, राइट, यहां पर डिपोजिशन होता है कोरल्स का और ये इस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, नंबर नाइन, नंबर एट, नंबर नाइन, और एक डिपोजिशन होगा कि कोस्ट की तरफ ज्यादा कोरल्स का डिपोजिशन होता है और गहराई में कम होता है, नंबर टेन, ठीक है, नंबर टेन। एक स्ट्रक्चर और है जिसमें मैग्मा के अपवार्ड चलने से और साथ में प्लेट्स के दूर जाने से, ठीक है, प्लेट्स के दूर जाने से यहां पर ये स्ट्रक्चर क्रिएट होती है, ऐसे अपलिफ्टमेंट से डिपोजिशन हुआ। ये मत सोचना कि नाइन के पास ही क्रिएट हो गए, कहीं भी हो सकता है, जहां पर प्लेट दूर जाएंगी अंदर से मैग्मा निकलेगा, मैग्मा निकल के, है ना, ये संरचना बन जाएगी, इसको नंबर इलेवन कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इलेवेंथ नंबर स्ट्रक्चर, इलेवेंथ नंबर स्ट्रक्चर हम इसको कह सकते हैं। अभी जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स यहां पर बनी हुई है उसमें नंबर वन को कहते क्या है, है ना, व्हाट इज द नंबर वन स्ट्रक्चर। नंबर वन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट को कहते हैं
कॉन्टिनेंटल स्लोप, सेकेंड को कहते हैं, नहीं गलत हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, राइट। नंबर टू इज कॉन्टिनेंटल स्लोप, नंबर थ्री कॉन्टिनेंटल राइज, नंबर थ्री कॉन्टिनेंटल राइज, नंबर फोर कॉन्टिनेंटल राइज, नंबर फोर डीप्स एंड ट्रेंचेस, डीप्स एंड ट्रेंचेस, चलो यही लिख देता हूं, है ना, डीप्स एंड ट्रेंचेस, इसे हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीय छज्जा कहते हैं इसको, महाद्वीपीय महाद्वीपीय छज्जा, इसको कहते हैं महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल, और इसको महाद्वीपीय उभार, महाद्वीपीय उभार, राइट। डीप्स एंड ट्रेंचेस को, डीप्स एंड ट्रेंचेस को हिंदी में कहा जाता है खड्ड एवं गर्त, खड्ड एवं गर्त। नंबर पांच इसको कहते हैं ग्वाइट्स, जी यू वाई ओ टी एस, ग्वाइट्स, हिंदी में भी इसको ग्वाइट ही कहते हैं, ठीक है। नंबर छह को एटॉल कहते हैं, नंबर छह को एटॉल कहते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, है ना, ए टी ओ एल, एटॉल। नंबर सात को, सात कहां गया, हाँ, नंबर सात को सी माउंट कहते हैं, सी माउंट, सागर पर्वत, क्या कहते हैं, सागर पर्वत, सी माउंट, सागर पर्वत। नंबर आठ डीप सी प्लेन, इसको कहेंगे हम डीप सी प्लेन, राइट। डीप सी प्लेन को हिंदी में क्या कहते हैं, राइट, डीप सी प्लेन को अगाध समुद्री मैदान, अगाध समुद्री मैदान, डीप सी प्लेन। और नौ नंबर पर है बैरियर रीफ, बैरियर रीफ हिंदी में कहते हैं अवरोध भित्ति, अवरोध भित्ति। और दसवें नंबर को कहते हैं अवरोध भित्ति, इसको कहते हैं कोस्टल रीफ, कोस्टल रीफ हिंदी में तटीय भित्ति, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तटीय भित्ति, कोस्टल रीफ तटीय भित्ति, है ना। और ग्यारहवें नंबर पर, ग्यारहवें नंबर पर क्या नाम है,
इसका मिड ओशियनिक रीजेज है ना, मिड ओशियनिक रीजेज, मध्य महासागरीय कटक। तो इस तरह से 11 संरचनाएं हैं, संरचनाएं बहुत सारी और भी हैं, है ना, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग इसमें ऐड कर लेंगे, नाम है कॉन्टिनेंटल स्लोप, राइट। कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय छज्जा, महाद्वीपीय छज्जा, लिखेंगे इसके बारे में, इट इज द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, इट इज द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट अंडर ओशियन, सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट अंडर ओशियन, अंडर ओशियन कॉमा हैविंग स्लोप 1 to 3 degree, एरिया 8.5%, डेप्थ 150 to 200 meter, 150 to 200 meter, फुल स्टॉप। यह महासागर में महाद्वीप का, यह महासागर में महाद्वीप का निमज्जित भाग है, निमज्जित भाग है, महासागर का महाद्वीप में, सॉरी, महाद्वीप का महासागर में निमज्जित भाग है। यह महासागर में महाद्वीप का निमज्जित भाग है। जिसका ढाल 1 to 3 degree, कई जगहों पर आपको 1 degree लिखेगा वो भी गलत नहीं है, 1 to 3 degree, क्षेत्रफल 8.5%, गहराई 150 से 200 मीटर होती है। इंग्लिश में लिखेंगे आगे, इट्स विड्थ इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, इट्स विड्थ इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आइलैंड्स नियर मेनलैंड्स
प्रेजेंस ऑफ आइलैंड्स नियर मेनलैंड्स एंड डिपोजिशन डन बाय रिवर्स एंड डिपोजिशन डन बाय रिवर्स। डिपोजिशन डन बाय रिवर्स इट्स विड्थ इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आइलैंड नियर मेनलैंड एंड डिपोजिशन डन बाय द रिवर्स। इसकी चौड़ाई मुख्य भूमि के पास उपस्थित द्वीप या द्वीप समूह एवं नदियों के निक्षेपण के आधार पर निर्धारित होती है। राइट, समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। एक पॉइंट और लिखेंगे आगे। इट्स मैक्सिमम विड्थ इज रिकॉर्डेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया विच इज अराउंड 1200 किलोमीटर राइट 1200 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई सर्वाधिक रूस के उत्तरी भाग में दर्ज की जाती है, जो कि लगभग 1200 किलोमीटर है। अब हम लोग उस पॉइंट पर पहुंचते हैं कि किस प्रकार से मेनलैंड के पास में अगर आइलैंड है, मुख्य भूमि के पास अगर द्वीप है, तो वो किस प्रकार से है ना, वो किस प्रकार से क्या करेगा, किस प्रकार से चौड़ाई को निर्धारित करता है। तो यहां पर श्रीलंका है, इसके बीच में और बहुत सारे छोटे मोटे आइलैंड हैं, जिसका नाम है कच्चा तीबू, टीबू, तेलारी तीबू, एक है यहां रामेश्वरम आइलैंड। इस तरह करके तीबू का मतलब भी आइलैंड ही होता है ना, तमिल लैंग्वेज में तीबू कहते हैं, आइलैंड होता है। राइट, तो जब यहां मुख्य भूमि है और यहां पर आइलैंड है ना, मुख्य भूमि है, तो इसकी ऊंचाई इस तरह से होगी।
जब महासागर शुरू होगा तो इसकी गहराई प्रारंभ होगी ऐसे, और यहां पर आइलैंड है तो ये कुछ इस तरह से ऊंचा होगा ये भी, है ना। इसके बाद इसकी गहराई शुरू होगी, यहां आके मिल जाएगा, है ना। और इनका जो डेप्थ बन रहा है ना, इनका जो डेप्थ बन रहा है, राइट, इनका जो डेप्थ बनता है, जो इनकी डेप्थ बनती है, वो यहां तक 150 to 200 meters, और इधर से डेप्थ घटता हुआ, डेप्थ बढ़ती हुई आई, फिर कहां 150 to 200 meters तक पे, ये भी सिमट गया, है ना। लेकिन अगर यहां पर ये आइलैंड नहीं होता, समझना, अगर ये आइलैंड यहां पर नहीं होता तो जिस प्रकार से मेन लैंड की गहराई बढ़ना शुरू हुई थी वो बढ़ती चली जाती, है ना। तो जो इस पॉइंट के बाद में, फर्दर आपको क्या मिल रहा है, पुनः इस बिंदु के बाद जैसे महाद्वीप का महाद्वीपीय छज्जा मुख्य भूमि के प्रभाव में जो बन रहा है ना, मुख्य भूमि के प्रभाव में, है ना, मुख्य भूमि के प्रभाव में जो छज्जा यहां पर बन रहा है, समझना, मुख्य भूमि के प्रभाव में जो यहां छज्जा बन रहा है वो यहां तक आते आते समाप्त हो जाता है ना, समाप्त हो जाता। लेकिन अगर इस बिंदु, इसको हम रिप्रेजेंट कर दे, सपोज करो सी कॉन्टिनेंट, और ये एम हो जाता है, और यहां पर ये आई आइलैंड, इसका इफेक्ट यहां तक आया, बात समझ में। तो ये कहां तक एग्जिस्ट करता, अप टू एम एग्जिस्ट करता सी एम, और इसके बाद इसकी गहराई बढ़ती जाती है ना। तो जो कॉन्टिनेंटल, जो यहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है सिर्फ यहां तक मिलता, लेकिन अगर इस जगह पर आइलैंड है ना, आइलैंड, तो फिर क्या हुआ, गहराई जो इस एरिया में डेवलप हुई ये आगे गहराई नहीं बढ़ती, इसके प्रभाव के कारण यहां पर गहराई घट जाती। तो ये पूरा क्षेत्र जो है ना, यहां से जो ये पूरा क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ बन जाता, महाद्वीपीय छज्जा बन जाता। शायद मुझे उम्मीद है कि जितना एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहां पर दिया ये पर्याप्त है। दूसरी बात, जिन क्षेत्रों में नदियां प्रवाहित होके जाती हैं, गंगा यहां से इस तरह से प्रवाहित होके गई और यहां पे आके मिल गई, ठीक है, यहां पर इसने फैल के डेल्टा बना दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया बहुत सारे क्षेत्र में, और इसने क्या किया, डेल्टा बना दिया, ठीक है, यहां पर डेल्टा बनाया गंगा ने, और यहां बहुत सारा लोड डिपॉजिट कर रहा, लोड माने रेत मिट्टी जो भी उसके पास में इसने डिपॉजिट किया। जब ये डिपॉजिट करेगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, डेप्थ घटेगी, और डेप्थ घटेगी तो इसका मतलब क्या है, 150 से 200 मीटर वाली सिचुएशन बन जाती है, कितना डेप्थ घटेगी और वो 150 से 200 मीटर से नीचे रहेगी, 150 से 200 मीटर से नीचे रहेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम महाद्वीपीय छज्जा कहेंगे, आपके पास में होगा ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, है ना, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, उसमें आप पेज नंबर 10 पर जाओ, दिया गया होगा फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश वाले एटलस में, और उस फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में आप देखेंगे तो जो इंडिया का मेन लैंड है, राइट, जो इंडिया का मेन लैंड है, उस मेन लैंड के किनारे किनारे, है ना, उस मेन लैंड के किनारे किनारे यहां पर, व्हाइट कलर में इसको, इस पट्टी को दिखाया गया होगा, व्हाइट कलर में एक पट्टी यहां पर बना के दिखाई गई होगी,
ठीक है, व्हाइट कलर पट्टी एक बना के दिखाई गई होगी समुंदर के अंदर, वही क्या है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। क्या है वो? कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ना, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, महाद्वीपीय छज्जा है। और वो महाद्वीपीय छज्जा जो बना हुआ है ना, वो जो महाद्वीपीय छज्जा बना हुआ है, राइट, महाद्वीपीय छज्जा जो बना हुआ है वो यहां पर सबसे चौड़ा है, गुजरात के इस वाले भाग में सबसे चौड़ा है, फिर उसके बाद नैरो होता चला जाता है, फिर यहां एकदम से चौड़ा हुआ और इस तरह से, है ना, यहां पर नैरो, फिर ब्रॉड, नैरो, ब्रॉड, यहां पर फिर ब्रॉड हो जाता है। क्या कारण है उसका? कारण यह है कि यहां पर प्रवाहित होती है नर्मदा, है ना, तापी रिवर, नर्मदा तावीरी पर, तापी नर्मदा यहां पर, है ना, नर्मदा और ये तापी, यहां से ये गंगा, ठीक है, और ये है क्षेत्र कृष्णा का और ये है आपका कावेरी का। तो इस वजह से, अच्छा यहां पर किसका इफेक्ट है? आइलैंड इफेक्ट है, यहां पर आइलैंड का प्रभाव है, इस कारण से इन भागों में, है ना, इन भागों में इसकी चौड़ाई जो है अधिक होती है। यहां पर नर्मदा तापी ने डिपोजिशन स्पीड इसकी ज्यादा है, नर्मदा तापी जब यहां से मिलती है तो ढाल थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से स्पीड इसकी ज्यादा होती है, डेल्टा उस बनाती भी नहीं है, है ना, और यहां आके ये डिपोजिशन जो है, डिपोजिशन काफी अंदर के क्षेत्र में कर देती है, यहां तक डिपोजिशन कर देती है, ठीक है कि नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा चौड़ाई यहां पर है। तो ये जो चौड़ाई है वो लगभग 247 किलोमीटर के आसपास है। तो भारत में सर्वाधिक जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ की चौड़ाई है वो पश्चिमी भाग में, गुजरात के, है ना, पश्चिमी भाग में, जहां नर्मदा तापी अपना एश्वरी बनाती है, सर्वाधिक 247 और अराउंड 250 किलोमीटर के आसपास दर्ज किया जाता है।